सो माय नेम इज पूर्वांग मंत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं द राइड बाय वायर सिस्टम, जिसे ड्राइव बाय वायर या फिर थ्रॉटल बाय वायर भी कहा जाता है। सो हम इंजन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए थ्रॉटल पे इनपुट कंट्रोल करते हैं, विच इन टर्न कंट्रोल्स द एंगल ऑफ द थ्रॉटल वाल्व। और थ्रॉटल वाल्व के एंगल पे डिपेंड करता है कितने क्वांटिटी में एयर इंजन के कंबशन चेंबर में एंटर करेगी। और मेजॉरिटी कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में मैकेनिकल केबल्स यूज किए जाते हैं टू कनेक्ट द थ्रॉटल विद द थ्रॉटल वाल्व। और ये मैकेनिकल केबल्स कभी भी टूट सकती है विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन, सो दे आर काइंड ऑफ अनरिलायबल। इसीलिए बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ने राइड बाय वायर या फिर थ्रॉटल बाय वायर या फिर ड्राइव बाय वायर सिस्टम इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और इन तीनों सिस्टम का काम एक ही है, टू कंट्रोल द थ्रॉटल वाल्व बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ द थ्रॉटल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। सो जस्ट लाइक एवरी अदर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, राइड बाय वायर, थ्रॉटल बाय वायर और ड्राइव बाय वायर में भी तीन बेसिक कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, द सेंसर, द माइक्रो कंट्रोलर एंड एन एक्चुएटर। और राइड बाय वायर के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में पोटेंशियोमीटर सेंसर है, आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर है और सर्वो मोटर एक्चुएटर है। सो पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट अ वेयरिंग रेजिस्टर। इसके नॉब को रोटेट करके इसका रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, जो माइक्रो कंट्रोलर यानी कि अपने हमारे केस में आर्डुइनो नोट डाउन करेगा। अब हमारे केस में तो ये बेसिक वाला पोटेंशियोमीटर हम यूज कर रहे हैं, द 10K1, लेकिन एक्चुअल केस में इसी पोटेंशियोमीटर को रीडिजाइन किया जा सकता है, सो दैट इट कैन बी डायरेक्टली अटैच्ड विद द थ्रॉटल पेडल ऑफ द कार और द थ्रॉटल ऑफ द बाइक। नाउ आर्डुइनो इज आवर ब्रेन एंड इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर वॉट एवर वी कोड इट फॉर। लेकिन अपने केस में हम आर्डुइनो को पोटेंशियोमीटर के डेटा को रीड करने के लिए कोड करेंगे और वही डेटा के बेसिस पे वो सर्वो मोटर को कंट्रोल करेगा। एंड फाइनली सर्वो मोटर हमारी एक्चुएटर है, विच टेक्निकली कंट्रोल्स द थ्रॉटल वाल्व। हमारे केस में हम इसे डायरेक्टली थ्रॉटल वाल्व के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, हम अज्यूम करेंगे कि थ्रॉटल का रोटेशन इसके हिसाब से हो रहा है। सो यहाँ पे हमने इस सर्वो मोटर को आर्डुइनो और पोटेंशियोमीटर के बेसिस पे कंट्रोल करने के लिए छोटा सा सिंपल सा कोड लिखा है, जो आपको मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो सबसे पहले तो हमने सर्वो मोटर की लाइब्रेरी इनपुट की और इस कोड को देख के हमको सी लैंग्वेज की याद तो आ ही रही होगी। फिर हमने सर्वो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टू कंट्रोल द ESC मोटर, ESC एज इन द सर्वो मोटर। बाद में फिर हमने एक पॉट वैल्यू का इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया, जिसमें हम हमारे पोटेंशियोमीटर का डेटा स्टोर करेंगे। एंड देन स्टार्ट द वॉइड सेटअप, जहाँ पे हमने पहले स्पेसिफाई किया कि सीरियल मॉनिटर हम चालू करेंगे विद 9600 बाउड रेट। एंड हमने ये भी डिफाइन किया कि हम ESC मतलब सर्वो मोटर को हम 9 नंबर के पिन पे अटैच करेंगे विद मिनिमम पल्स वीट ऑफ 1000 एंड मैक्सिमम पल्स वीट ऑफ 2000 इन मिलीसेकंड्स। और इसके बाद हमारा वॉइड लूप चालू होता है, जो दैट विच रन्स इन लूप। जब भी पहले आर्डुइनो बिगिन होगा, जब भी आर्डुइनो पहले स्टार्ट होगा, तो पहले वो ये ऊपर के सेटअप वाला कोड चालू करेगा कि पहले ये स्टार्ट करना है, उसके बाद वो लूप में इस कोड को रन करता रहेगा। सो वॉइड लूप में सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि ये जो पॉट वैल्यू की जो वैल्यू हमने डिफाइन की थी, वो एक एनालॉग रीड होगी फॉर पिन A0। एनालॉग रीड इन द सेंस वो वोल्टेज रीड करेगा, वोल्टेज की वैल्यूज रीड करेगा। देन हमने वही पॉट वैल्यू जो एनालॉग रीड से जो पॉट वैल्यू स्टोर हो रही है, उसको हम मैप कर रहे हैं, मतलब उसको स्केल डाउन कर रहे हैं, बिकॉज वो पहले 0 to 1023 तक जाती थी, उसको हम स्केल डाउन करके 0 to 180 तक स्केल डाउन कर रहे हैं। एंड वही पॉट वैल्यू को हम सीरियल प्रिंट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू नो इफ द वैल्यूज आर गेटिंग इन टू द आर्डुइनो और नॉट। एंड लास्टली वही पॉट वैल्यू को हम ESC में राइट कर रहे हैं, मतलब वही पॉट वैल्यूज के हिसाब से हम सर्वो मोटर को सिग्नल भेज रहे हैं। So this was the simplest code to control the servo motor using a potentiometer and Arduino UK. And after connecting everything correctly and uploading the code, our system was ready to function. So this is the basic way of controlling the servo motor using a potentiometer and an Arduino or SI control system develop करके हम ride by wire या तो throttle by wire system भी बना सकते हैं। हाँ, अब actually इसी servo motor को हम मेरे bike के throttle body के throttle valve के साथ connect करके उस throttle valve के angle को हम control कर सकते थे, लेकिन ये वो करने के लिए हम इन सब के लिए mounting brackets बनाने पड़ते, जिसके लिए मुझे डिजाइनिंग करनी पड़ती और 3D प्रिंट करवाना पड़ता, और उसके वजह से इस वीडियो का बजट थोड़ा बढ़ रहा था, इसीलिए हम वो नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा वीडियोस का बजट कम होता है। सो अगर आप चाहते कि हमारे वीडियो का बजट बढ़े, देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बाय माय बुक। ओके, अभी यहाँ पे तो हमने एक ओपन लूप टाइप कंट्रोल सिस्टम बनाया, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में एक्चुअल व्हीकल्स में क्लोज लूप सिस्टम यूज किया जाता है।
क्लोज लूप सिस्टम में सर्वो मोटर के साथ एक और सेंसर लगाया जाता है विच रिकॉर्ड्स द एंगल ऑफ द सर्वो मोटर एंड इट गिव्स दैट वैल्यू टू द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर फिर वही डेटा को पोटेंशियोमीटर के डेटा के साथ कंपेयर करता है। अगर दोनों के डेटा में डिफरेंस होगा तो माइक्रो कंट्रोलर वो डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए सर्वो मोटर को सिग्नल देगा टू रोटेट मोर एंड करेक्ट दैट डिफरेंस और एरर। नाउ दिस सेकेंड सेंसर कनेक्टेड विद द सर्वो मोटर कैन आइदर बी अनदर पोटेंशियोमीटर और a rotary encoder and then फिर इस सिस्टम में PID control या फिर fuzzy logic control जैसे controlling strategies भी use करनी पड़ती है। And as the throttle valve can now be operated electronically, हम microcontroller के code को थोड़ा modify भी कर सकते हैं to increase or decrease the speed of the engine independently for quick shifter and auto blipper, you know, for rev matching. And to make this entire system work perfectly, code में बहुत सारे complications बढ़ते जाते हैं and बहुत सारे if else वाले statements use किए जाते हैं। यहाँ तो फिर भी हमने एक बहुत सिंपल सिस्टम बनाया था टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन एक्चुअल थ्रॉटल बाय वायर का सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये चीज करनी पड़ेगी। सो आई वुड आस्क यू गाइस टू ट्राई एंड मेक सच सिस्टम योरसेल्फ। और आप मेरा वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट 2 वाला सीजन भी देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जहां पे मैंने कैनवस प्रोटोकॉल को एक स्केल मॉडल इलेक्ट्रिक कार पे इंप्लीमेंट किया था। एंड आई थिंक मैंने राइड बाय वायर या थ्रॉटल बाय वायर या फिर ड्राइव बाय वायर को इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट then feel free to ask me in the comment section of this video. Other than that, don't forget to hit the like button and lastly click here to subscribe for my next video, which I think is going to be about the new all-wheel drive system. So tab tak aap yahan click karke mere dusre videos dekh sakte ho. So I will see you guys on next Thursday at 7:30 p.m.